आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड का पेपर जो आज ही हुआ है, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि पेपर आसान है और कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि पेपर हार्ड है, तो हम देखते हैं पेपर कैसा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां से क्वेश्चन शुरू हुए तो हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन में वो हमसे कहता है, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि कौन सी गैस चारकोल की एक निश्चित मात्रा पर निम्नतम अवशोषण प्रदर्शित करती है। अब जो अवशोषण होता है वो समानुपाती होता है, ठीक है ना। जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है उसका अधिशोषण ज्यादा होता है और जिसका कम होता है उसका सबसे कम। तो हाइड्रोजन का जो क्रांतिक ताप है वो सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन से की तरफ सही रिप्रेजेंटेशन, तो 1s2 और 2s2 इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो जब हम इसका एमओटी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, तो जो 1s वाले हैं इनको तो के के लिख देते हैं, के मतलब एक बेरिलियम का के, दूसरे का के, ठीक है ना। अब बचे दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 2s 2s का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो दो इलेक्ट्रॉन तो भर जाएंगे सिग्मा 2s में और दो भर जाएंगे सिग्मा स्टार 2s में, इसलिए इसका सही आंसर बेरिलियम होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का इसमें से अभी कोई नहीं है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये कि जब हम ज्ञान में जब हम इसका मात्रता समान है तो जब अंश विखंडन होगा उक्त मूलक का निर्माण होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम। एसिडिक अम्ल के सामर्थ्य का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मिल संकरण पर संकरण एसपी होगा, आईएफ होगा और SF4 का sp3d होगा, कैसे निकालो वो भी आप देख। इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, इस पर कोई आप हमने इसको डिवाइड कर दिया तो योग 5 आ गया, 5 का मतलब सी फोर्थ में सेकंड का होगा, तो हमें इसमें मिल डी होगा। इस में यहाँ पे कह रहा है कि एसिटिक एसिड और पीके भी कितना है, तो ये बेस है और ये बेस है,
वीक एसिड होती है, पर क्योंकि यहाँ पर पी के ज्यादा है इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है ना, थोड़ी तो हम इस फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हो। हाफ पीएच इज इक्वल तो सॉल्यूशन से है और ये वेपर प्रेशर से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय एम, तो डब्ल्यू बी देते हैं जो सॉल्यूट को दिखाता है, और इसमें हम इसकी वैल्यू को 0.8 दिया और पी का वेपर प्रेशर है 8.4 दिया, नीचे हमारा 0.85 आ जाएगा। अब इसको इस वाले पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जो हमने सब्सटेंस लिया है वो कितना है 0.5 ग्राम, और उसका मोलर मास हमें निकालना है। बेंजीन की मात्रा ली है 39 ग्राम और अणु भार है 78, इन सबको डिवाइड किया तो एन की वैल्यू 170 ग्राम आ। तो हम देखते हैं आईआर स्पेक्ट्रम में जनरली अल्कोहल में बैंड्स 3300 या 3000 के आसपास आती है, तो ये आंसर सही हो। हम आगे देखते हैं और नया क्वेश्चन है हमारे सामने ये, किस अभिक्रिया में क्या होगा। तो अब हमें इस रीजेंट को देखते समझ जाना चाहिए कि ये क्या करता है, टर्मिनल कार्बन को, इस टर्मिनल कार्बन को एसिड में बदल देता है। अब उसने क्या इसमें 2 मोल लिख दिए है, तो 2 मोल एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा। तो कई बच्चे मैंने सुना है, कुछ लोग कह रहे हैं हार्ड है और कुछ लोग कह रहे हैं आसान है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस पेपर में कितना सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है। किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यह कथन पाउली ने दिया था। पाउली ने हमको 2 नियम दिए थे, एक ये और दूसरा नियम दिया था कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको देखकर पता लगा ये 5वें ग्रुप का है और इसको देखकर पता लगा ये 7वें ग्रुप का है, ठीक है ना। तो 5वें ग्रुप वाले की वैलेंसी 3 होती है और इसकी 1 होती है, तो दोनों में हमने गुणा भाग कर लिया तो Ab1, ठीक है ना। तो वापस देख लेते हैं, तो जो B होंगे वो 3 होंगे, तो ये इधर सही है, तो A1 और B3, तो Ab3 टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, ये NCl3 टाइप का कंपाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा समुच्चय सही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए पता होना चाहिए कि एन हमेशा एल से बड़ा होता है और एल एम के बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता, तो N2L1 संभव है, N3L3 संभव ही नहीं है, N3L2 संभव है, N4L3 संभव है। अब 1 से ये 0 हो सकता है, ये -3 से +3 तक हो सकता है, ये 2 से +2 तक हो सकता है, और ये -3 से लेकर +3 हो सकता है, तो सिर्फ यही बी स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत। सीमेंट को जमने से रोकने के लिए या जल्दी नहीं जमे उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है, और ये जिप्सम करीब 2% मिलाया जाता है जो सीमेंट की सेटिंग को होने नहीं देता, ठीक है ना। हमारा अगला क्वेश्चन सामने है, देखते हैं केमिस्ट्री का आता है आते। जब हम ये नाइट्रोजन का परीक्षण है, और आपको क्लासों में कई बार मैंने बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि Na2FeCN5 और NO, इसको सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड कहते हैं, और जब इसकी रिएक्शन हम Na2S के साथ करते हैं तो ये वाला वायलेट कलर का कंपाउंड बन जाता है। चालकोजन का मतलब होता है 16वें वर्ग या 6वें वर्ग के सदस्य, तो टेलोरियम 6वें वर्ग का सदस्य है,
ये 17वें वर्ग का है, ये 14वें वर्ग का है और ये 13वें वर्ग का है। तो इसका आंसर टेलोरियम हो जाए। नया क्वेश्चन हमारा क्या है, चालकत्व का मतलब होता है चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और शैल स्तर संबंध पूछ रहा है। तो ये हमारी विशिष्ट चालकता होती है, कप्पा से दिखाते हैं, सी उसकी चालकता है और जी उसका सेल नियतांक है। तो जी नियतांक निकालने के लिए के बाई सी हो जाए और ऐसा प्रथम उसमें ही लिखा हुआ। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लेंथेनाइट प्रकृति में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, प्रकृति में से प्रोमिथियम नहीं पाया जाता क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है, तो इसको बनाया जाता। हम आगे देखते हैं, नया क्वेश्चन केमिस्ट्री का कौन सा है, इस पेज पर कोई भी नहीं है। नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल पूछ रहा है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल हीरा होता है, होता है और सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है और बोरॉन कार्बाइड भी होता है। तो इसका आंसर सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जिसने भी किया है ये बिल्कुल सही आंसर। हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो त्रिनताक्ष इसका आंसर नहीं हो सकता, तो जिसने भी किया है वो गलत हो जाए, जिसने भी किया है। तो इसमें अल्फा बीटा 90 के और बीटा 90 का है, तो ये मोनोक्लिनिक या एकांताक्ष का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फिर देखते हैं कोई है तो। ये एक नया क्वेश्चन आया, सेम काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल वेव फिजिक्स में आएगा, लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में और मास में ये रिलेशन होता है, जो सबसे हल्का होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। 1 मोल ग्लूकोज का भार C6H12O6 होता है, इन सबको जोड़ते हैं तो 180 के आसपास आ जाता है। इस पेज पर कोई भी केमिस्ट्री का नहीं है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है, ये एल्काइन्स है और एल्काइन्स का हमें करना है जलयोजन। इसको कैसे करते हैं, सारी एल्काइन्स जलयोजन पर कीटोन देती है केवल इथाइन को छोड़कर, ये कीटोन नहीं है। बस देखो इतना आसान क्वेश्चन, आपको सिर्फ याद होता है। तो मैं आपको क्लासों में कहता रहा हूं कि भैया याद कर लो, पर कुछ लोग समझ नहीं आते। हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है कि 75% पूर्ण होने में 32 मिनट लगे हैं, तो उसे आधा होने में कितना समय लगेगा। तो 75% का मतलब होता है 2 अर्धायु, पहली अर्धायु 50%, दूसरी 75%। तो हम इस सूत्र में रख देंगे टी हाफ हो गया 32 मिनट। वो हमसे पूछ रहा है और कुल अर्धायु 2 और टी हाफ 16 मिनट आ जाए, तो 16 मिनट सही आंसर। हम आगे जी एच माइनस है, अगर एच की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो मेरे ही समझ में ये क्वेश्चन इक्वल टू, तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे डाला है। तो जी इज इक्वल टू माइनस टी एस सी सही हो।
हम देखते हैं फिर से केमिस्ट्री का नया क्वेश्चन कोई दिखे तो। फिर से क्वेश्चन दिख गया और नेचुरल रबर की यूनिट पूछ रहा है। नेचुरल रबर की यूनिट होती है ये CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम आइसोप्रीन या 2-methyl-1,3-butadiene कहते हैं, अर्थात इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइरीडॉक्सिन, इसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसको राइबोफ्लाविन कहते हैं, और ये है इसका आंसर B6। B6 को पाइरीडॉक्सोन कहते हैं, जिससे जिससे हमारी नर्वस सिस्टम की डिजीज हो जाती है। इसको थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये फिजिक्स का है, अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिखा। कौन सा यौगिक उत्कृष्ट गैस क्विनोल के साथ जालक यौगिक नहीं बनाती, तो हीलियम ऐसा नहीं करता है। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है कि बहुप्रचलित दर्द निवारक एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ड्रग्स है जो हार्ट अटैक के समय भी काम आते। तो आप देख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको चीजों का याद होना जरूरी। हम देखते हैं कोई नया क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिख जाए तो देखें। ये तो अब ये लिथियम है और ये सोडियम है, ये बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम। ऐसे जाते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है और ऐसे जाते हैं तो घटती है। तो सोडियम की विद्युत ऋणता इन सब में सबसे कम होगी, तो ये आंसर गलत है, ये सही। तो हम चलते हैं फिर कोई नया क्वेश्चन देखने के लिए, कोई दिख जाए केमिस्ट्री का थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन, जिसको करने के लिए थोड़े दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना पड़े। तो अभी तो कोई मिला नहीं। ये इसमें एसिड ग्रुप बड़ा है तो 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया हमारा 4-ऑक्सो-पेंटेनॉइक एसिड, तो तीसरा आंसर सही हो जाएगा। कुछ लोग इस OH को देखकर, ये वाला बच्चा OH देखकर फंस गया। हम देखते हैं फिर कोई नया क्वेश्चन, कोई दिखे तो। मेरे हिसाब से पेपर बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कोबाल्ट, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, और देखना इसमें क्या हुआ। कोबाल्ट एन थ्राइस बन गया, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और सर चार्ज जब हम बराबर करेंगे तो इसको तो 2 कर देंगे और इसको 3 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का तीसरा सवाल है आईयूपीएसी नेम में, तो ऐसा कहाँ हुआ है दूसरे एग्जाम्पल में। ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, काफी आसान क्वेश्चन है। क्यू बराबर IT और क्यू बराबर NE, तो एनी इज इक्वल टू IT में रखकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको चाहे फिजिक्स समझ लो चाहे केमिस्ट्री समझ लो, एक ही बात। अगला क्वेश्चन ये है केपी केसी में रिलेशन, तो एनजी निकालने के लिए प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस कर दिया तो -1 आ गया, -1 आ गया तो इसमें रख दिया। अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम इसको नीचे ले गए तो केसी बराबर RT आ गया, तो दूसरा आंसर सही हो। हम देखते हैं फिर कोई नया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये एक नया क्वेश्चन है हाइड्रो नाइट्रस एसिड, तो हाइड्रो नाइट्रस एसिड H4N2O4 को कहते हैं, ये बहुत कम बच्चों से हुआ हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से है,
तो लैंथेनाइड का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटता है, तो पीएम का इसमें सबसे कम परमाणु क्रमांक है, इसलिए पीएम सबसे बड़ा हो, पीएम सबसे बड़ा होगा। और फिर होगा, उसको हम ऐसे याद करते हैं, सिर पर नदियां प्रेम समाई, ठीक है ना, सिर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद। तो अब इसका दूसरा नहीं तीसरा हो, तीसरा हम आगे चलते हैं और देखते हैं, उसका हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है। इसमें पांच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका चुंबकीय आघूर्ण 5.83 होता है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना होता है। MnCn5 में पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग से इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका भी 1.3। और कोबाल्ट में कोबाल्ट का D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है तो तीन चार और पांच और छह, चार ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4.83। तो आंसर दो। एक नई कहानी, और ये तो खत्म ही होगी। तो कुल मिलाकर पेपर बहुत ही सरल है, पेपर में हमको चीजें याद होनी चाहिए। तीन न्यूमेरिकल हैं, दो तीन जो बेहद आसान है, ठीक है ना, हो सकता है किसी को हार्ड लगे, पर मेरे हिसाब से पेपर बहुत ही सरल है, पर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद आप सबको, आप सबके कोशिश हो, ऐसी आशा के साथ में मैं आज के सॉल्यूशन को बंद कर। Thank you.